How are you, students? I think you will be fine because all the time I pray to God that you will be fine. So today I am going to teach you class 7 chapter 1. Okay, students, so open your book and your first chapter, the square. As you know that, first of all I'll tell you about the difficult word meaning of this poem, okay? So open your copy and write down some difficult word meanings, like war. In the first line, war, W-O-R-E, W-O-R-E. It is the past participle form of wear. जैसे wear means क्या होता है पहनना, वो पहनना. ओवरकोट, ओवरकोट यानी हम लोग देखे हैं बहुत सारे लोग को लंबा कोट पहने हुए जो घुटनों तक आता है, उसे हम लोग ओवरकोट कहते हैं. ग्रे, जी आर ए वाई, ग्रे कहने का मतलब भूरा या मटमैला कलर, ठीक है. उसके बाद थर्ड लाइन में है सेट अप यानी बैठा, स्ट्रेट यानी सीधा, जैसे कि मैं अभी बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, स्ट्रेट हम लोग इसको पढ़ेंगे, स्ट्रेट. नेक्स्ट नट, टीज, टीज मतलब चिढ़ाना, किसी का मजाक बनाना. ओके, नाउ वर्ड मीनिंग इज क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस लाइन. फर्स्ट लाइन, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, मतलब यहां गिलहरी, स्क्वायर यानी गिलहरी के बारे में ये पोयम है. उसके विषय में कहा जा रहा है कि वह अपने पूंछ के बदले यानी पूंछ के जगह पे प्रश्न चिन्ह पहना हुआ है. प्रश्न चिन्ह कहने का मतलब आप सभी को पता होगा या देखे होंगे भी, ये गिलहरी इसमें दिख रहा है, जैसे इसको पूंछ को देखिए तो क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है, जैसा हम लोग क्वेश्चन मार्क बनाते हैं ऐसे बनाते ही हैं. तो इसका पूछ बिल्कुल उस तरीके से घूमा हुआ है उधर, लेकिन क्वेश्चन मार्क जैसा ही थोड़ा दिख रहा है. इसलिए इसको कवि बोले हैं कि गिलहरी अपनी पूंछ के बदले या पूंछ के जगह पे प्रश्न चिन्ह पहना हुआ है, यानी वो प्रश्न चिन्ह की तरह दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रहा है. एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, और वह एक लंबा सा घुटनों तक ग्रे कलर का ओवर कोट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है. अब गिलहरी को कभी देखे हो कोट पहने हुए, तुम लोग तो पहनते होंगे अलग अलग तरह के स्टाइलिश ड्रेसेस. तो यहाँ पे ओवरकोट कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो फिगर में गिलहरी के पीछे डार्क कलर का स्ट्रिप्स लाइन बना हुआ है, देखना गिलहरी में ऐसा बना होता है, तो इसे बोला जा रहा है ओवरकोट, ठीक है, न कि जैसा हम लोग पहनते हैं वैसा ओवरकोट, ठीक है, इसे हम लोग ओवरकोट बोलते हैं. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, और वह बिल्कुल सीधा बैठ के नट खा रहा है. He like to tease and play. और उसे क्या पसंद है, चिढ़ाना, किसी का मजाक, किसी पे मजाक बनाना और खेलना पसंद है. नेक्स्ट लाइन, एंड इफ वी कैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे, और जैसे ही हम लोग उसके पेड़ के पास जहां वो बैठा है वहां जाते हैं, तो वो वहां से दौड़ करके दूसरी तरफ चला जाता है. बिल्कुल सही, हम लोग के भी घर के आसपास पेड़ है, तो हम लोग वहां पे स्क्वायरल को देखते हैं, पहले दूर से दिख रहा है तो वो वहीं पे खड़ा है, जैसे उसके पास जाते हैं तो वो वहां से हट के दूसरी जगह चला जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहां पे बोला जा रहा है. तो एक बार हम लोग शॉर्ट में इस चीज को देखेंगे फिर से, एक बार शॉर्ट समरी जैसा, मतलब इसमें बताया गया है एक स्क्वायरल के बारे में जो अपने पूंछ के जगह प्रश्न चिन्ह पहना हुआ है, यानी क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है, और वह एक लंबा सा ओवरकोट भी पहने हुआ है, ग्रे कलर का, भूरा कलर का, सब मटमैला दिख रहा है, मतलब वो कलर ही वैसा है, कोई गंदा नहीं है. और उसके बाद का लाइन है कि वो कोई भी नट हो, खजूर वगैरह या जो भी वो खाता है, वो बैट काफी स्ट्रेट होके खाता है, और उसे दूसरों को चिढ़ाना, खेलना काफी पसंद है. और जैसे ही कोई उसके पेड़ के पास जाता है, आई मीन कहने का मतलब दैट स्पॉट जहां पे वो बैठा हुआ है,
जैसे ही हम लोग जाते हैं या कोई भी जाता है वो वहां से तुरंत दूसरी जगह पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। आगे हम लोग, यह चैप्टर काफी छोटा सा था, इसमें वर्ड्स मीनिंग भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बट फिर भी जो वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट थे मैंने उसको बता दिया है। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। आप सभी को इसे अपने कॉपी में करना है, तो ध्यान से देखिएगा बुक पे। सबसे पहला है ए, टिक द करेक्ट आंसर। पहला करेक्ट आंसर मतलब जो सही है उसको हम लोग को क्या काम करना है, टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज स्क्वायरल लाइक टू ईट, स्क्वायरल को क्या खाना पसंद है। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन है नट्स, जैसा पोएम में मेंशन किया गया है। सेकंड, व्हाट इज द कलर ऑफ ओवरकोट ऑफ द स्क्वायरल, उसके ओवरकोट का कलर क्या था, ये भी पता है। ये तो मैं बताने नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऑप्शन काफी आसान है और मैं अभी पोएम एक्सप्लेन नहीं करती हूं, काफी ज्यादा आसान है, एक छोटा सा बच्चा भी हंसते हंसते इसको बना लेगा। थर्ड, द स्क्वायरल लाइक्स टू, ये भी काफी इजी है, उसे क्या अच्छा लगता था, जैसा पोएम में मेंशन किया गया, टीज एंड प्ले, ये भी यहां पे दिया हुआ है। बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसको जरा ध्यान से समझो, मैं बारी बारी से सभी क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से द स्क्वायरल वर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कभी ऐसा क्यों कहते हैं कि स्क्वायरल जो है अपने पूंछ के जगह क्वेश्चन मार्क पहने हुए, क्यों, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसका जो पूंछ है बल्कि पूरा तरीके से क्वेश्चन मार्क के जैसा दिख रहा है, इसलिए। आगे का क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्क्वायरल और फाइंड द पिक्चर ऑफ अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, अब बताया जा रहा है कि स्क्वायरल को ड्रॉ करना है, उसका फिगर बनाना है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल्स वियर अ टेल, क्या हम लोग प्राय कहते हैं कि एक एनिमल टेल पहने हुए है, प्राय कहते नहीं है लेकिन वो दिखने में ऐसा लगता है, हम लोग आंसर में ये लिखेंगे, कहते नहीं है लेकिन वो दिखने में ऐसा लगता है, क्यों, क्योंकि उसे ऐसा बनाया ही गया है। अब जो जैसा बनाया गया है हम लोग उसके विषय में कहते हैं कि वो ये पहना हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें स्क्वायरल के बारे में ही कहा जा रहा है, इसका पूंछ दिखने में क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है, पहना हुआ नहीं है, दिखने में लग रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो पहना हुआ है, ठीक है। व्हाट डू वी से, आगे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन मार्क में लिखा गया है, थिंक डज एन एनिमल वियर अ कोट, अब सोच के लिखना है कि क्या कोई एनिमल कोट पहनता है, तो नहीं पहनता, ऑब्वियसली नहीं पहनता है, बल्कि वो दिखने में जैसा होता है उस अनुसार से पोएट उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब हो सकता है किसी एनिमल का कान, जैसे हाथी का ही कान काफी बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, तो वो सूप पहन के घूम रहा है या फिर कुछ बड़ा सा टांग लिया है, नहीं, वो दिखने में वैसा लगता है इसलिए उसको वैसा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग हूम हाउ, मतलब उसे दूसरे को टीज करना और खेलना पसंद था, तो कौन किसको टीज कर रहा था, स्क्वायरल करता है दूसरों को, ओके। डिस्क्राइब स्क्वायरल, अब लास्ट क्वेश्चन है, एक स्क्वायरल को डिस्क्राइब करना है, मतलब हम लोग इसमें लिखेंगे कि वो दिखता कैसा है, वो लगता कैसा है, उसके क्या क्या एक्टिविटी है, वो क्या खाता है, और वो खाने के समय मतलब उसका जो बॉडी पोस्चर होता है कैसा होता है, सब में बताया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, क्या खाता है, तो नट खाता है, दिखने में काफी नोटी होता है, उसका हैबिट क्या होता है, टीज एंड प्ले होता है, और वो पेड़ उसका घर होता है, तो ये सभी चीज हम लोग उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आज आपका फर्स्ट पोएम यानी फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है, तो मैंने पोएम भी एक्सप्लेन किया और उसके क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट, ये सभी आपको कॉपी पे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।